आज 12th क्लास में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. सपोज दैट दिस इज द सोर्स चार्ज क्यू एंड दिस इज द टेस्ट चार्ज और पॉइंट चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज आर. ये प्लस क्यू जो सोर्स चार्ज है ये टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा. रिपेल करने के बाद जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो किस तरफ लगेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में. यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द फोर्स बोथ हैव द सेम डायरेक्शन. जैसा कि अभी पीछे हमने रिलेशन पढ़ा था ई इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू नॉट, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन हैविंग द सेम डायरेक्शन. तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है सोर्स चार्ज इसको रिपेल करेगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग दिस डायरेक्शन. अब हमें पता है कि कूलॉम्स लॉ ऑफ चार्जेस जो हमने पढ़ा है एफ इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वेयर. ये वेक्टर नोटेशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप. वेक्टर नोटेशन में दिखाने की वजह से हम यहाँ यूनिट वेक्टर साथ में जरूर लगाएंगे. तो आर कैप हो गया, दिस इज इक्वेशन नंबर वन. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू नॉट होता है, पढ़ा था हमने रिलेशन. ई इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वेयर आर कैप डिवाइडेड बाई क्यू नॉट. क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल एंड यू गेट इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught क्यू अपॉन में आर स्क्वेयर आर कैप. दिस इज द फाइनल रिलेशन. This is the electric field intensity due to a point charge. Okay. इसके बाद जो next topic हमारा है electric field lines. Electric field lines होती क्या है? Electric field lines are the imaginary lines, but their representation is real for visualization of electric field. यानी कि electric field lines जो है actually reality में exist नहीं करती, लेकिन इसको हम फिर भी एक्सेप्ट करते हैं फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए हम ये कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं. अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें तो अगर आपके पास एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं, यानी कि यहां से निकलती हैं तो बाहर की तरफ जाएंगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एक्सटेंड टू इन्फिनिटी. इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो नेगेटिव पे आकर टर्मिनेट होती हैं, तो इसीलिए जो नेगेटिव चार्ज है वहां पर अंदर आते हुए दिखाई देंगे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज. एंड इफ दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड वी वांट टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन देन ड्रॉ ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट. दिस टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये Q पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है. तो ये लिखा हुआ है इफ यू ड्रॉ ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देन दिस इट रिप्रेजेंट्स अ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, आज के लिए बस इतना ही. बाकी कल हम इन दोनों टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे दोनों की दो अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होगी. तो आज के लिए इतना ही.